नवरात्रि के पावन पर्व पर चारों ओर भक्त माँ की आराधना में लीन नजर आ रहे हैं। कोई महाआरती कर रहा है तो कोई तरह तरह के भोग लगा रहा है। इसी क्रम में उज्जैन के महाकाल क्षेत्र स्थित भीष्म नगर सांस्कृतिक युवा मंडल द्वारा क्षेत्र के रहवासियों ने एक अनोखी पहल करते हुए वैवाहिक जोड़े से माँ की आरती करवा कर प्रसाद वितरण किया। उज्जैन के भीष्म नगर सांस्कृतिक युवा मंडल द्वारा पिछले 14 वर्षों से नवरात्रि का त्यौहार बड़े ही हर्षोल्लास और भक्तिमय तरीके से मनाया जाता है। विश्व नगर सांस्कृतिक मंडल द्वारा एक अनोखी आरती का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें सभी ने अपने विवाहित जोड़ों के साथ आरती कर माँ दुर्गा से अपने विवाहित जीवन और विश्व शांति के लिए आशीर्वाद मांगा। गौरतलब है कि विश्व नगर सांस्कृतिक युवा मंडल द्वारा नवरात्रि पर गरबों के आयोजन के साथ ही विभिन्न प्रकार के सांस्कृतिक और सामान्य गान के कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं एवं विशाल रूप से कन्या भोज भी कराया जाता है। उज्जैन से अरविंद देवदरे के साथ शकील खान की रिपोर्ट। बताइए, कितने वर्षों से आपके यहाँ कार्यक्रम करते आ रहे हैं? ये माता जी का जो सांस्कृतिक कार्यक्रम हमारे यहाँ 14 वर्षों से किया जा रहा है, पिछले 14 वर्षों से। और क्या क्या आयोजन होते हैं आपके इसमें? हमारे यहाँ मेन तो गरबा है और उसके बाद में बच्चों के सांस्कृतिक कार्यक्रम, जिसमें सामान्य ज्ञान प्रतियोगिता है, चित्रकला है और जो भी बच्चों के ज्ञानवर्धक कार्यक्रम, सभी कार्यक्रम होते हैं। साथ ही हमारे आसपास के बच्चों का और कन्या भोज, विशाल स्तर पर कन्या भोज कराया जाता है और पुरस्कार वितरण, जो भी बच्चे गरबा अच्छा करते हैं उनको हमेशा पुरस्कार वितरण दिया जाता है, उनका उत्साह वर्धन किया। आपका नाम? अशोक कल्याण, संरक्षक भीष्म नगर सांस्कृतिक मंडल।